Hello and good morning all of you, welcome to L5S Academy's science and tech series and today is the day which you all have been waiting for, that is this is the last lecture of the science and tech series, after this we will plan series, it might be security, society or anything it can be, let's see what we do, but then today uh, it, it is the last lecture of the science and tech series and I thank you all for being with us, patiently listening out and you know I think it's the most comprehensive,

बुक्स पढ़ते हैं तो ये सब क्या है ये सब इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन होती है पर इंटेलेक्ट क्या हुआ जहाँ पे आपने अपनी जो ब्रेन है अपना इंटेलेक्ट है उसको यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाई है ना तो उसको आपने क्या बोल दिया इंटेलेक्चुअल बोल दिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई वेरियस कन्वेंशनस हैं जिसके अंदर ये बनी थी सबसे पहले एक्चुअली ये एटीन में रिकोगनाइज की गई थी ठीक है सबसे पहले जो पुरानी वो थी एक पेरिस कन्वेंशन था एटीन का वहाँ पे इसको रिकगनाइज किया गया ठीक है और उसका इट वाज अ कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी देखो तो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड भी किया गया है इसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताएंगे तो और इसके बाद एक एटीन में एक बर्न कन्वेंशन आया ठीक है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्ट लिटरी एंड आर्टिस्टिक वर्क लिटरी एंड ठीक है तो बेसिकली ये से बात शुरू हुई पे एप्लीकेशन देख टाइप्स क्या, क्या क्या होते हैं ठीक है कौन कौन से टाइप्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बेसिकली दो मेजर हेड है तो जो पहला हेड है वो है कॉपी ठीक है कॉपी राइट आ जाते हैं मान लिया हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना और हम कहीं अगर आपको कभी ईवी दिखाते हैं वो किसी चैनल की है तो हमारे पास कॉपी इशू आ जाते हैं कहीं गाने डालते हैं तो कॉपी इशू आ जाते हैं तो कॉपी क्या है बेसिकली इट इज़ है ना लिटरेरी कोई भी आर्टिस्टिक वर्ड होता है बुक्स हो सकता है म्यूजिकल कंपोजिशन हो सकते हैं है ना म्यूजिकल कंपोजिशन हो सकते हैं बुक्स हो सकती हैं एन नंबर ऑफ चीज़ों में हो सकती है कॉपी राइट ठीक है पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका म्यूजिक हो गया ठीक है आजकल मान मेरी जान जो गाना चल रहा है अब उस पर जो भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउस होगा उसका उस पर कॉपी होगा है ना हो सकता है गाया वो किंग ने हो बट देन उसका कॉपीराइट किसके पास होगा जो प्रोडक्शन हाउस होगा है ना हो सकता है किंग का अपना प्रोडक्शन हाउस हो उनके पास उसका कॉपीराइट हो ठीक है तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे उसको तो अगर आप तो एक कॉपीराइट इशू हमेशा बनेगा तो उसकी जो अर्निंग वगैरह होती है वो उनके पास चली जाती है ठीक है म्यूजिक हो गया आपका ठीक है आपके स्कल्पचर हो गए शिल्पकार या मूर्ति कला जिसको हम बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए फिल्म्स हो गई ठीक है आपने देखा होगा कई बार की बहुत सारे बार फिल्म का रीमेक बनता है तो परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ इसका रीमेक बनाने ना बनाने ठीक है परमिशन से आप कुछ भी कर सकते हो बट देन यू नीड परमिशन है ना रिटर्न परमिशन ऐसा नहीं और ये जो कॉपी है इंडिया में या जब लगभग लगभग इसको लेके जो लॉ है वो यूनिफॉर्म ही है तो मिनिमम वो फिफ्टी ईयर्स तक ये गारंटेड रहता है ठीक है आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर या मेकर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर और मेकर ठीक है अब बात करें अगर हम सेकेंड टाइप की तो सेकेंड टाइप की होती है इंडस्ट्रियल राइट्स इंडस्ट्रियल राइट्स ठीक है इंडस्ट्रियल राइट्स में आपकी बहुत सारी राइट्स आ जाती हैं इंडस्ट्रियल राइट्स में आपने जो पढ़े होंगे आपके ट्रेड मार्क्स नाइकी का लोगो देखा है आपने अपने एडिडास का लोगो देखा होगा ठीक है तो ये सब क्या ये सब ट्रेड मार्क्स हैं कई जगह आपने देखा होगा लोगो लिखा होगा उसके आगे आर ये टी टीएम करके लिखा होता है तो आर मतलब रजिस्टर्ड टीएम मतलब ट्रेडमार्क ऐसे ही आपने जी आई एक्ट पढ़ा होगा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ठीक है आपने देखा होगा कि पोचमपल्ली पल्ली साड़ी बनारसी ब्रोकेड्स है ना बनारसी ब्रोकेड्स जो साड़ी होती है ठीक है तो उसमें जो है इनको क्या है जी आई टैग मिला हुआ है मतलब ये पर्टिकुलर उस एरिया में पाए जाते हैं तो इससे क्या होता है इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ये कमर्शियल नेचर के हो जाते हैं ठीक है जैसे कड़कनाथ चिकन है ना आजकल कड़कनाथ चिकन खाना सबको खाना है ठीक है तो क्या है, उसकी एक जी आई टैक्ट हो गया वो एक टाइप का ठीक है ऐसे ही आपके ट्रेड सीक्रेट हो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं ऐसे ही आपके इंडस्ट्रियल मैप्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनस होते हैं इन सब के लिए एक्ट बने हुए हैं इंडिया में ठीक है इंडस्ट्रियल एक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजीज होती हैं ठीक है आपका इसके अलावा पेटेंट्स होते हैं पेटेंट भी एक टाइप का आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ठीक है पेटेंट किस में होता है टेक्नोजी वगैरह में भाई मान लिया जैसे कोवैक्सिन बनी तो कोवैक्सिन को कैसे बनाया गया तो उस पर एक पेटेंट हो जाएगा प्रोसेस पे मिलता है ये प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पे ठीक है प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट पे मिलता है ठीक है ये टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई जब उसको मैं कोई भी चीज़ क्यों करूँगा जब मेरे को थोड़ा सा रिनमिनेशन मिलेगा पैसा मिलेगा ठीक है तो एक तो ये क्या करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेकंड बात है जब आप किसी का इकोनॉमिक राइट बचाओगे उसको फेमस बनाओगे तभी तो लोग इनोवेट करेंगे तो इट इनक्रेज इनोवेशन इट इनक्रेज इनोवेशन सेफ करता है जिसने वो जिसके जिसने वो चीज़ बनाई है उसको सेफ करता है ठीक है बिजनेस करने में आसानी करता है ठीक है आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है भाई एक आदमी को एक ए कंट्री है एक बी कंट्री है और एक सी कंट्री है ए कंट्री ने जो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है तो देखेगा बी के आई पी लॉस अच्छे हैं सी के आई पी लॉस अच्छे नहीं है यहाँ इन्फ्रिजमेंट बहुत ज़्यादा होती है ज़्यादा चांसेज हैं कि वो बी को दे देगा और सी को नहीं देगा ठीक है बी को दे देगा और सी को नहीं दे देगा इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी आती है आईपी लॉज आजकल बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं आजकल तो आई में स्पेशलाइजेशन भी करते हैं बहुत सारे लॉयर्स एक लॉ लीगल फील्ड जो है पर्टिकुलर स्पेशलाइज हो गई है इनफैक्ट आई आई खड़गपुर में तो एक कोर्स भी चलता है जो उनका एल 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 और एल एल है वो बेसिकली फोकसडी है आई पी आर लॉस पे ठीक है अब बात करें अगर हम इंडिया की तो इंडिया क्योंकि डब्ल्यू डबू का मेम्बर है अच्छा ये जो आई पी आर है ना इसके लिए एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स बोलते हैं उसको ट्रिप्स ठीक है ट्रेड रिलेटेड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसको तो कौन देखता है ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अभी आगे देखते हैं उसके बारे में नेशनल आईपीआर पॉलिसी डिस्कस कर लेते हैं है क्या 2016 में आई ठीक है 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया इसका जो आइडिया था इट इज टू दैट इसका जो मोटिव था वो था क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया ठीक है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया इसका आइडिया था ठीक है इसने क्या किया इसने क्या बोला कि ठीक है भैया आम जो है आईपी लॉ को मजबूत करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे ठीक है लॉज करेंगे कोर्ट्स बनाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे लॉयर्स बनाएंगे ठीक है स्पेशल आईपी बेंचेस बना देंगे ये सब क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना ठीक है थीके? जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस हैं जहाँ पर भी इस्तेमाल होती हैं तो उसको हम अपने प्रैक्टिस में लाएंगे उसको अपने लॉज में इंक्लूड करेंगे ठीक है आ, बात करें अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ तो ये आई लॉस किसके अंदर आते हैं एक हमारे पास डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिप और डिप किसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ये डिप ठीक है और इसके अंदर हमने प्रमोशन करने के लिए एक सीपम सेल भी बनाया हुआ है ठीक है सीपम का फुल फॉर्म है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ठीक है अब बात करते हैं और मैंने आपको बताया था ट्रिप्स एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन देखता है वीपो और इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है ठीक है अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो सात लार्जर ऑब्जेक्टिव जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से सात लार्जर ऑब्जेक्टिव हैं ठीक है एक तो आई की अवेयरनेस एंड आउटरीच एंड प्रमोशन बढ़ाना चलिए इसका वे फॉरवर्ड भी बन सकता है यहाँ आपको वेट फॉरवर्ड लिखना हो तो ये सात पॉइंट लिख दीजिएगा फिनिश ठीक है आई पी आर प्रोमोशन आउटरीजन प्रमोशन करना जनरेशन ऑफ आई पी आर ज़्यादा से ज्यादा लीगल एंड लजिस्टेटिव फ्रेमवर्क बनाना एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट करना कमर्शलाइजेशन ऑफ आई पी आर ताकि पैसा मिले लोगों को री इन्फोर्समेंट एंड एजु मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी से एजुकेट हो जाए सालों साल मुकदमा ना चले ठीक है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट उसके अराउंड जो लॉयर्स हैं जजेस हैं या जितने भी फॉर्म्स हैं अब आई पी फॉर्म्स आ गए हैं तो ये क्या है ह्यूमन कैपिटल जनरेट करते हैं रिसोर्स को जनरेट करती हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं वीपो की मैंने आपको बताया तो वीपो कुछ नहीं देखो यार यू की फिफ्टीन स्पेशलाइज एजेंसीज है ना जो यूएन को रिपोर्ट करती हैं उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन ठीक है हेडक्वाटर इसका जिनेमा में है ठीक है जिनेवा का है स्विट्जरलैंड में है बड़ी सुंदर जगह है मैंने भी टी वी में ही देखिए कभी गया नहीं ठीक है कभी मौका मिलेगा जरूर जरूरी ठीक है वीपो क्या करता है वीपो बेसिकली जो इंटरनेशनल आई पी रूल्स हैं पॉलिसीज स्ट्रीम लाइन करता है ट्रांस बाउंड्री जो जो हमारे देशों में आपस में आई पी डिस्प्यूट्स होते हैं ठीक है ट्रांस बाउंड्री आई पी डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसको रिजॉल्व करता है ठीक है उसको रिजॉल्व करता है आईपी लॉज जो होते हैं आपका वो स्टडी करता है वेरियस कंट्रीज़ के और कैसे आई पी लॉज चल रहे हैं कैसे बनने चाहिए जो फ्यूचर नीड्स हैं उसमें क्या नीड चेंजेस चाहिए तो उस सब के बारे में ये सब काम करते रहते हैं ठीक है अब पढ़ लेते हैं कि इंडिया का जो आई प्रोग्राम है उसके इश्यूज़ क्या क्या है देखो एक दो कॉन्सेप्ट समझ लो आप पहले एक होता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स भाई एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या हुआ मैंने ये पेंसिल बनाई अगली बार अब इसके मेरे को दस अगले पेटेंट मिल गया अब मैंने अगली बार क्या किया ये जो टिप थी इसकी यहाँ से गोल थी इसे मैंने यहाँ से काट दिया और सीधा कर दिया मैंने कहा जी ये तो नया प्रोडक्ट बन गया इसे मुझे फिर पेटेंट कर दो तो एक सेक्शन थ्री डी हमारे पास एक सेक्शन थ्री डी है का, दो हज़ार पे, पेटेंट एक्ट का पेटेंट एक्ट का ये दो हजार थ्री है और दो में इसको अमेंडमेंट भी किया गया तो ये मना करता है ये कहता है एवरग्रीडिंग नहीं होगी पेटेंट की ये बोलता है जब तक आप चेंज करके ले आओ उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उसकी एफिकेसी में फर्क नहीं पड़ेगा अगर हाँ आप मुझे कन्विंस कर पाओ कि ठीक है सर ये चेंज हो गया है और इसे इसके काटने के बावजूद इसको टेन परसेंट एफिशेंट हो गया है और ये पिछली बार से नया है तब मैं आपको पेटेंट दूंगा लेकिन आप कुछ भी चीज़ करके लिया आओगे तो, तो मैं ऐसा मैं समझना कि मैं आपको पेटेंट दे दूँगा इसीलिए इससे एक क्लासिक एग्जाम्पल है नोवार्टिस के सुना होगा आपने तो नोवार्टिस का एक ड्रग था ठीक है ग्लीवैक मना कर दिया था उसको पेटेंट नहीं मिला बोला नहीं देंगे ठीक है फिर सेकेंड जो प्रॉब्लम या अब ये इसके इश्यूज भी हैं ठीक है थीके? पढ़ते जाइएगा और कॉन्सेप्ट भी हैं सेकेंड जो इशू कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका वहाँ पर कंपल्सरिली लाइसेंसिंग का कंपलसरी लाइसेंसिंग नाइनटीन 1992 टू से ये पहले बहुत ज़्यादा थी बट अब तो कम हो गई है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि भैया मान लिया एक चीज जो है वो पेटेंटेड है मतलब मेरी ये पेंसिल पेटेंटेड है ठीक है या ये मान लो कि ये कोई वैक्सीन है ये पेटेंटेड है अब हमारी सरकार को लगता है कि नहीं यार इसकी हमें ज़रूरत है ठीक है तो हमारी सरकार क्या कर सकती है आपकी मेरी बिना परमिशन लिए क्योंकि इसका जो पेटेंट है मेरे पास है मेरी बिना परमिशन लिए किसी और को इसकी बनाने की इजाजत दे सकती है इसका जो प्रोसेस था बोला आप बना लो कोई दिक्कत नहीं हम आपको नहीं रोकेंगे आपको कोई मनिशमेंट नहीं मिलेगी और जो मुझे है, मुझे भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा ठीक है तो इसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये एक प्रॉब्लम भी है ये प्रॉब्लम कहाँ पता कहाँ क्रिएट कर दी इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है वहाँ पर यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं इंडिया के जो आई लॉज हैं अच्छे नहीं है तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, है वहाँ पे और ठीक है ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है वो ट्रिप्स में भी है जो एग्रीमेंट है उसके अंदर भी है और वो लेकिन वहाँ पे क्या है कि बेसिकली ये तब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो गई या कोई एक्सट्रीम एमरजेंसी हो गई एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस फॉलो हो रही हैं तब आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं अलाउ करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम भी है ठीक है और क्या क्या बात है देखो एक यू है यूनाइट स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव हम उसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो है आईपीआर का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उनकी एक स्पेशल थ्री जीरो वन रिपोर्ट भी आती है ये के किसी मेरे ख्याल से किसी पेपर में पूछा भी गया था या यू में पूछा गया था ये स्पेशल थ्री जीरो वन ये इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिपोर्ट है ठीक है तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट चैलेंजिंग इकनॉमीज़ है इंडिया की ठीक है मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमिक्स है इकोनमी uh, है इंडिया की फ्रॉम फ्राम पर्सपेक्टिव ऑफ बट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्या प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम है डाटा एक्सक्लूसिविटी की कि भैया हमारा वो कहते हैं कि हमारा जो डाटा है हम जो सरकार को देते हैं कि हमने ये फील्ड ट्रायल्स किए या ये डेटा है हमारा और इससे हम ऐसे ऐसे बिजनेस बनाएंगे वो डेटा कई बार लीक हो जाता है वो डेटा कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो जो डाटा एक्सक्लूसिविटी जो डेटा था हमारा था वो हमारे पास नहीं है तो डेटा एक्सक्लूसिव लॉ लाया जाए उसके लिए ठीक है देखो तो को, कोई भी चीज़ क्या होती है वो समय के अकॉर्डिंग ही डिवेलप होती है अब आई जो लॉज हैं या आई जो रिजीम है ये बड़े नए से लॉज हैं तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे सेकेंड बात है एक कॉपी एक्ट जो है हमारा बड़ा वीक है एक्ट तो हमारे मतलब लवल वारे सारे वीक है बताए जाते हैं ठीक है क्योंकि पायरेसी बड़ी अब देखा होगा आपने अब जाकर कंट्रोल हुई है पायरेसी लेकिन नहीं तो पहले तो आपका मूवीज़ आपका वो सब पहले तो साइट्स पर फिर टेलीग्राम पे सब मिल जाती थी लेकिन अब जाके क्या हो देखा आपने कंट्रोल हो रहा है अब आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने ही पड़ते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या है आईपी के लिए रोक तो सकते नहीं तो आप जो है स्ट्रेंथन करें अपने आईपी फ्रेमवर्क को अभी आई पी फ्रेमवर्क में क्या हो जाएगा आप कैपिटल ह्यूमन कैपिटल जनरेट करें उसमें तो कैपिटल जनरेट कैपिटल कौन सी एक तो ह्यूमन भी जनरेट करें और भैया मनी भाई को भी जनरेट करें मनी भाई को भी जनरेट करें ठीक है अपने लीगल फ्रेमवर्क्स को मजबूत करें जो आपके लेजिलेटिव फ्रेमवर्क्स हैं लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसे मजबूत करें ठीक है और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसज हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस हैं उसको फॉलो करें ठीक है स्टार्ट कहाँ से होती है चीज़ें स्कूल से तो स्कूल में इनोवेशन लाए ठीक है थीके? देखो अभी बड़ी अच्छी बात है कि दो जब से पहले लगभग लगभग एक हज़ार स्टार्टअप्स थे आज लगभग लगभग नब्बे हज़ार स्टार्टअप्स हैं ठीक है ठीके? एक नंदल नीलकनी और सत्यन नदीला का इंटरव्यू भी है लिंक हम नीचे प्रोवाइड कर दें एक डेढ़ मिनट का वीडियो तो उसमें बताते हैं कि कैसे जो है इंडिया का इनो स्टार्टअप जो इको है वो चेंज हो रहा है और बल्कि अभी बोला भी गया था कि जैसे आई या यू का क्रेज़ है वैसे अब स्टार्टअप का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है ठीक है जब इनोवेशन आएगी तभी तो आपका जो मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेस होंगे क्योंकि जब तक इनोवेट नहीं करेंगे देखिए जब तक इस देश के लोग एंटरप्राइजिंग नहीं बनेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता वी आर वी विल बी अ कंट्री ऑफ बाई टर्टी इन फैक्ट टू थाउजेंड ऑफ फाइवी करोड़ पीपल एंड फॉर दैट वी नीड टू एंड फॉर दैट वी नीड टू बी मोर एंटरप्राइजिंग पीपल नीड टू डू बिजनेस नीड टू जनरेट एंड वी जस्ट नॉट नीड टू जनरेट फॉर आर सेल्स बट इट्स टाइम दैट इंडिया सेल्स टू वर्ल्ड तो मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में या कहीं भी कुछ होता है या कहीं भी अपने बात दोस्तों से तो भी बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड ठीक है तो ये इसका वे फॉरवर्ड हो जाएगा मेक फॉर द वर्ल्ड ठीक है मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड तभी तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ठीक है बाकी आई पी आर इनोवेशन को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए एट वेरियस लेवल सो दिस विल बी ऑल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वॉज फाउंडेशन प्रेजेंटेड यू बाई अल्फाज अकेडमी एंड आई थैंक यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड कीप स्माइलिंग कीप हेल्थी एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टेक्टर्स वी आर ऑलवेज विद यू बाय टेक केयर